हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी वाटरमेलन जेली। खाने में बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। मेरा ये रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो पे लाइक कमेंट ज़रूर करें। मेरे साथ बने रहने के लिए मेरी चैनल क्विक कुकिंग प्रो को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में बेल को क्लिक करके ऑल कर दीजिए ताकि मेरे हर एक रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैंने 700 ग्राम के करीब वाटरमेलन लिया। इसको अभी मैंने अच्छे से पीछे का छिलका निकल दिया। अभी मैं इसको ब्लेंड कर लेती हूँ। ब्लेंड करके इसका जूस निकाल लेंगे। वाटरमेलन का मैंने जूस निकल लिया। अभी मैं इसको अच्छे से छान लेती हूँ। जूस को छानना बहुत ही ज़रूरी है। इसका जो बीज है आपके डिज़र्ट में चले जाए तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। मैंने पूरा वाटरमेलन जूस को अच्छे से छान लिया और अभी मैं इसको कढ़ाई में डाल देती हूँ। ये 1.5 कप के करीब मैंने जूस लिया। अभी मैं इसको थोड़ा बॉयल होने देती हूँ। जूस में बॉयल आ चुका है। अभी मैं 1/2 कप शुगर डाल देती हूँ। शुगर आप आपके हिसाब से डालिए। आपको ज़्यादा पसंद है तो थोड़ा ज़्यादा डालिए और कम पसंद है तो कम डालिए। अभी मैंने 1/4 चम्मच कॉर्नफ्लावर ले लिया। इसको अभी मैं थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर देती हूँ पानी के साथ। अच्छे से मिक्स हो गया। अभी मैं जूस पे डाल देती हूँ और जूस के साथ अच्छे से मैं मिला लेती हूँ। बहुत अच्छी तरह से मिलाना है और चलाते हुए मुझे 3 से 4 मिनट जूस को पकाना है। मैंने लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक अच्छे से चलाते हुए थिकनेस आने तक पकाऊंगी। फ्रेंड, आप देख सकते हो धीरे धीरे जूस में थिकनेस आ रहा है। जूस थिक हो चुका है और 1 मिनट तक मैं अच्छे से इसको चला लेती हूँ और बहुत ही अच्छी तरह से ठीक हो चुका है। अभी मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और ठंडा होने देती हूँ। वाटरमेलन डिज़र्ट बिल्कुल रेडी है। मैंने 4 छोटा छोटा कांच का बाउल लिया और ऑयल में ग्रीस कर लिया। अभी मैं थोड़ा थोड़ा करके 4 कांच के बाउल में जेली डाल देती हूँ। आप चाहे तो आप कोई भी स्टील का हो, प्लास्टिक का हो, कांच का हो, कोई भी पात्र में रख सकते हो और जिसमें ही रखो तुरंत निकाल आए ऐसे ही पात्र में रखिएगा। अभी मैं 4 में पूरा 1 समान जेली को रख दिया। अभी मैं 2 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दूंगी। 2 घंटे बाद मैंने जेली को निकाल लिया फ्रिज से और बहुत ही अच्छी तरह से जेली बनके तैयार हुआ है। अभी मैं प्लेट में इसको बाहर निकाल लेती हूँ। मैंने धीरे धीरे सबको ऐसी इसी तरह से निकाल लेती हूँ। वाटरमेलन जेली कितना बढ़िया बनके तैयार हुआ है फ्रेंड, आप देख सकते हो। अभी मैं इसको थोड़ा और टेस्टी बनाने के लिए सूखा नारियल का पाउडर ले लिया। इसको अभी मैं डिज़र्ट के ऊपर अच्छी तरह कोटिंग कर लेती हूँ। आपको ये नारियल पाउडर ज़्यादा पसंद ना हो तो आप इसको ना मिलाए। मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। कितना बढ़िया लग रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है। बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। आप भी घर पे ट्राई कीजिए और मेरे साथ शेयर कीजिए कैसा बना है। अभी मैं इसके ऊपर थोड़ा सा पिस्ता डाल देती हूँ। मेरा ये रेसिपी कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साइड में बेल को क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर।